दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा को खतरनाक बल्लेबाज और कप्तान मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, बीच मैदान पर रनआउट होने के बाद कप्तान रोहित शर्मा ने शुभमन गिल को कहे अपशब्द तो भड़क उठे पाकिस्तान के दिग्गज। कह दिया कुछ ऐसा जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज खेली जा रही है। इसके पहले मैच में कप्तान रोहित शर्मा ने रनआउट होने के बाद शुभमन गिल को गाली दी, जिसको देख कर हर कोई हैरान रह गया। इस बीच इंजमामुल हक, शोएब मलिक से लेकर शोएब अख्तर, वसीम अकरम ने रोहित शर्मा को फटकार लगाते हुए जमकर खरी खोटी सुनाई और एक ऐसा बयान दिया है जिसको सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो आखिरकार रोहित शर्मा के द्वारा गाली दिए जाने पर पाकिस्तान के दिग्गजों ने क्या कहा, ये तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा, विराट कोहली और रिंकू सिंह में कौन इस सीरीज का सबसे खतरनाक बल्लेबाज है, कॉमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, जैसा की आपको पता है, भारत और अफगानिस्तान के बीच खेले गए पहले T20 मैच में भारतीय टीम को 6 विकेट से जीत मिली है। इस मैच में भारतीय टीम ने अफगानिस्तान को 158 रन 5 विकेट के नुकसान पर रोका और मैच को 17.3 ओवर में अपने नाम किया। हालांकि इस दौरान रोहित शर्मा ने बल्लेबाजी करते समय अपने जोड़ीदार शुभमन गिल को रन आउट होने के बाद अपशब्द कहते हुए गाली दे दी थी, जिसके बाद पाकिस्तान के दिग्गजों ने रोहित शर्मा को फटकार लगाते हुए बयान दे दिया, जिसमें इंजमामुल हक ने बयान देते हुए कहा कि कप्तान रोहित शर्मा ने जिस तरीके से शुभमन गिल के साथ व्यवहार किया वो काफी ज्यादा गलत है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से रोहित शर्मा को कप्तान होने के बावजूद गलत व्यवहार करना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि रोहित शर्मा भारतीय टीम के कप्तान हैं और भारतीय टीम एक मजबूत टीम है और दुनिया की सबसे बेहतरीन टीमों में से एक है। ऐसे में अगर उन्हें कप्तान इस तरीके से गलत हरकत करेगा तो युवा खिलाड़ियों पर काफी ज्यादा गलत प्रभाव पड़ सकता है। मुझे लगता है रोहित शर्मा ने जो कुछ भी आज किया वो काफी ज्यादा गलत है और इसके लिए उनको शर्मिंदा होना चाहिए। साथ में अपने साथी खिलाड़ी शुभमन गिल से माफी भी मांगनी चाहिए, जिससे टीम का वातावरण भी अच्छा हो सके। तो वहीं शोएब मलिक ने बयान देते हुए कहा कि कप्तान रोहित शर्मा ने जिस तरीके से खराब व्यवहार करते हुए अपने साथी खिलाड़ी को गाली दी वो बिल्कुल गलत है। मुझे लगता है कि इस तरीके से उनको अपने साथी खिलाड़ी के साथ बर्ताव नहीं करना चाहिए। हालांकि रोहित शर्मा टीम के कप्तान है, लेकिन इसका मकसद ये नहीं कि आप टीम के मालिक हो। आपको अपने बाकी खिलाड़ियों के साथ मिलकर टीम को जीत दिलाने का दायित्व दिया गया है, न कि सिर्फ अपने अकेले के दम पर जीत बनाने का दायित्व दिया गया है। और ऐसे में आपको अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए, न कि उस पर घमंड करना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मुझे लगता है रोहित शर्मा को टीम की कप्तानी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो अपनी गलत तरीके की भाषा से सभी को निराश कर रहे हैं, जिसके चलते वो पूरी दुनिया में भारत का नाम डुबा रहे हैं। तो वहीं शोएब अख्तर ने बयान देते हुए कहा कि रोहित शर्मा ने जिस तरीके से खराब व्यवहार करते हुए अपने साथी खिलाड़ी को गाली दी वो बिल्कुल गलत है। मुझे लगता है कि रोहित शर्मा से बेहतर खिलाड़ी कोई नहीं है, लेकिन जिस तरीके से रोहित शर्मा ने टीम का कप्तान होने के बाद अपने साथी खिलाड़ी को बुरी तरीके से बीच मैदान पर अपशब्द कहे वो बिल्कुल गलत है। हालांकि वहां पर शुभमन गिल की गलती थी, लेकिन आप गुस्सा करने के बाद ड्रेसिंग रूम में जाकर उनसे अकेले में बातचीत कर सकते थे, लेकिन आपने बीच मैदान पर उनको बुरी तरीके से अपशब्द कह दिए, जो कि बिल्कुल गलत है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि रोहित शर्मा को इस तरीके से बर्ताव नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो जेंटलमैन के खेल क्रिकेट को काफी ज्यादा आहत कर देने वाला मोमेंट है। वहीं वसीम अकरम ने कहा कि रोहित शर्मा ने जिस तरीके से अपने साथी खिलाड़ी को बुरी तरीके से धमकाते हुए गाली दी वो गलत है। मुझे लगता है कि इस तरीके से उनको व्यवहार नहीं करना चाहिए था। हालांकि वहां पर आपके साथ ही की गलती थी, लेकिन आप क्रिकेट का खेल खेल रहे हैं जिसमें गलतियां होती हैं, और ऐसे में आपका गुस्सा करना जायज है, लेकिन आपका गलत भाषा का उपयोग करना बिल्कुल गलत है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मान के चलिए कि ये गलती आपसे हो जाती तो क्या आपके साथी खिलाड़ी के द्वारा दी गई गाली आपको अच्छी लगती। बस मेरा यही कहना है कि रोहित शर्मा को अपनी लैंग्वेज में काफी सुधार की जरूरत है, अन्यथा अपने टीम की कप्तानी से हटा दिए जाए, क्योंकि ऐसे कप्तान के चलते टीम में गलत प्रभाव भी आ सकते हैं। दोस्तों, अगर आप भी शिवम दुबे और रिंकू सिंह को खतरनाक युवा बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारतीय टीम की जीत के बाद शिवम दुबे और रिंकू सिंह पर आया भारतीय दिग्गजों का बयान। वर्ल्ड कप में खिलाने की मांग कर किया सभी को हैरान। जी हां दोस्तों, अफगानिस्तान के खिलाफ भारतीय टीम को पहले T20 मैच में जीत मिली है, जिसके बाद शिवम दुबे और रिंकू सिंह की तारीफ हर कोई कर रहा है। इस दौरान भारतीय दिग्गजों ने दोनों की तारीफ कर बड़ा बयान जारी किया है। इस बीच गौतम गंभीर, सुनील गावस्कर से लेकर कपिल देव, महेंद्र सिंह धोनी ने शिवम दुबे और रिंकू सिंह दोनों की तारीफ कर वर्ल्ड कप में शामिल करने हेतु एक ऐसा बयान जारी किया है, जिसको सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे।
तो आखिरकार भारतीय टीम की जीत के बाद शिवम दुबे और रिंकू सिंह को लेकर भारतीय दिग्गजों ने क्या कहा, ये तो आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि रिंकू सिंह और शिवम दुबे में से कौन है भारत का सबसे खतरनाक युवा बल्लेबाज, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, भारत और अफगानिस्तान के बीच खेले गए पहले T20 मैच में भारतीय टीम को 6 विकेट से जीत मिली है। इस दौरान भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी कर अफगानिस्तान को 158 रन 5 विकेट के नुकसान पर रोका और उसका पीछा कर 17.3 ओवर में मैच को अपने नाम किया, जिसके हीरो शिवम दुबे रहे जिन्होंने 60 रन का योगदान दिया। ऐसे में शिवम दुबे और रिंकू सिंह के तूफानी प्रदर्शन को देख भारतीय गेंदबाजों ने दोनों की तारीफ करते हुए T20 वर्ल्ड कप की टीम में शामिल करने हेतु बड़ा बयान जारी कर दिया है, जिसमें सुनील गावस्कर ने बयान देते हुए कहा है कि भारत और अफगानिस्तान के बीच खेले गए पहले T20 मैच में शिवम दुबे का बेहतरीन प्रदर्शन देखने को मिला। शिवम दुबे ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए सभी को प्रभावित किया है, ऐसे में उनको आप वर्ल्ड कप के अंदर शामिल करने का प्रयास कर सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि शिवम दुबे के पास बेहतर बल्लेबाजी करने की तो काबिलियत मौजूद है, लेकिन अगर वो अपनी गेंदबाजी के अंदर काफी ज्यादा मजबूती कायम कर लें तो उनको वर्ल्ड कप में शामिल करने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। ऐसे में शिवम दुबे अगर वर्ल्ड कप टीम के अंदर शामिल होते हैं तो ये भारत के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि भारतीय टीम के पास इस समय काफी कम तेज गेंदबाजी के ऑलराउंडर मौजूद हैं, जिसके चलते भारत को दिक्कत होती है। तो वहीं गौतम गंभीर ने बयान देते हुए कहा है कि अफगानिस्तान के खिलाफ भारतीय टीम ने पहले T20 मैच में जीत दर्ज की है, जिसके हीरो शिवम दुबे रहे हैं। हालांकि रिंकू सिंह ने भी कुछ खराब प्रदर्शन नहीं किया, बल्कि उन्होंने भी भारतीय टीम को जीत दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ऐसे में ये दोनों खिलाड़ी भारत के लिए लंबे समय तक बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं और भारत को मजबूत दिलाने का कार्य भी करते हुए दिखाई देते हैं। ऐसे में दोनों को वर्ल्ड कप टीम के अंदर शामिल कर लेना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि शिवम दुबे के पास बेहतरीन गेंदबाजी और बल्लेबाजी करने की काबिलियत मौजूद है, कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, भारत और अफगानिस्तान के बीच खेले गए पहले T20 मैच में भारतीय टीम को 6 विकेट से जीत मिली है। इस दौरान भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी कर अफगानिस्तान को 158 रन 5 विकेट के नुकसान पर रोका और उसका पीछा कर 17.3 ओवर में मैच को अपने नाम किया, जिसके हीरो शिवम दुबे रहे जिन्होंने 60 रन का योगदान दिया। ऐसे में शिवम दुबे और रिंकू सिंह के तूफानी प्रदर्शन को देख भारतीय गेंदबाजों ने दोनों की तारीफ करते हुए T20 वर्ल्ड कप की टीम में शामिल करने हेतु बड़ा बयान जारी कर दिया है, जिसमें सुनील गावस्कर ने बयान देते हुए कहा है कि भारत और अफगानिस्तान के बीच खेले गए पहले T20 मैच में शिवम दुबे का बेहतरीन प्रदर्शन देखने को मिला। शिवम दुबे ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए सभी को प्रभावित किया है, ऐसे में उनको आप वर्ल्ड कप के अंदर शामिल करने का प्रयास कर सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि शिवम दुबे के पास बेहतर बल्लेबाजी करने की तो काबिलियत मौजूद है, लेकिन अगर वो अपनी गेंदबाजी के अंदर काफी ज्यादा मजबूती कायम कर लें तो उनको वर्ल्ड कप में शामिल करने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। ऐसे में शिवम दुबे अगर वर्ल्ड कप टीम के अंदर शामिल होते हैं तो ये भारत के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि भारतीय टीम के पास इस समय काफी कम तेज गेंदबाजी के ऑलराउंडर मौजूद हैं, जिसके चलते भारत को दिक्कत होती है। तो वहीं गौतम गंभीर ने बयान देते हुए कहा है कि अफगानिस्तान के खिलाफ भारतीय टीम ने पहले T20 मैच में जीत दर्ज की है, जिसके हीरो शिवम दुबे रहे हैं। हालांकि रिंकू सिंह ने भी कुछ खराब प्रदर्शन नहीं किया, बल्कि उन्होंने भी भारतीय टीम को जीत दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ऐसे में ये दोनों खिलाड़ी भारत के लिए लंबे समय तक बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं और भारत को मजबूत दिलाने का कार्य भी करते हुए दिखाई देते हैं। ऐसे में दोनों को वर्ल्ड कप टीम के अंदर शामिल कर लेना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि शिवम दुबे के पास बेहतरीन गेंदबाजी और बल्लेबाजी करने की काबिलियत मौजूद है, तो दूसरी तरफ रिंकू सिंह के पास बेहतरीन प्रदर्शन करने की काबिलियत मौजूद है, जो काफी समय से देखने को मिल रही है। ऐसे में दोनों को वर्ल्ड कप टीम में शामिल जरूर करना चाहिए। तो वहीं कपिल देव ने बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम ने पहले T20 मैच में जीत हासिल कर सभी को प्रभावित किया है। इस मैच में जीत के हीरो कई खिलाड़ी रहे हैं, लेकिन शिवम दुबे ने मुझे काफी ज्यादा प्रभावित किया है। उन्होंने बता दिया है कि भारतीय टीम के लिए उनका बेहतर प्रदर्शन करना काफी ज्यादा जरूरी था। भारतीय टीम के लिए उन्होंने बेहतरीन बल्लेबाजी करने के साथ बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए हार्दिक पांड्या की कमी को महसूस नहीं होने दिया है।
इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि शिवम दुबे जिस प्रकार से अपनी बल्लेबाजी के साथ साथ गेंदबाजी से सभी को प्रभावित करते हैं, उसी तरीके से हार्दिक पांड्या भी कार्य करते हुए दिखाई देते हैं। ऐसे में अगर इनको वर्ल्ड कप में शामिल किया जाए तो ये भारत के लिए इस T20 वर्ल्ड कप में काफी ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकते हैं। तो वहीं महेंद्र सिंह धोनी ने बयान देते हुए कहा है कि भारत की तरफ से शिवम दुबे और रिंकू सिंह दोनों एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो अपने अकेले के दम पर टीम को जीत दिलाने का कार्य कर सकते हैं। दोनों खिलाड़ियों के पास टीम को स्थिति के अनुसार संभालने की जिम्मेदारी करने का दायित्व पता है, साथ में समय आने पर बेहतर प्रदर्शन करने और टीम को जीत दिलाने की जिम्मेदारी के बारे में भी पता है। ऐसे में दोनों खिलाड़ियों को वर्ल्ड कप में शामिल कर भारतीय टीम काफी ज्यादा मजबूती हासिल कर सकती है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि